Sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @theratequickrecipes123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Now I'm gonna try the food from the continental section and here I have opted for cappuccino. आप espresso, latte कुछ भी मंगवा सकते हो. Hash brown, I love hash browns. और ये है डोसा पट्टी समोसा. ये इनका special snack है, काफ़ी बारी देखा मैंने यहाँ पे, tasty होता है. And this is the grilled tomato, here is the croissant. This is the pain au chocolat, which is chocolate croissant. यहाँ पे butter croissant भी था, वो मैं लाई नहीं because हर बारी try करती हूँ, तो मैं सोचा कुछ different try कर लूँगी इस बारी. ठंडा है ये, गर्म नहीं है, मगर चलो ठीक है, कॉफ़ी तो गर्म है हमारी. तो पहला सिप लूँगी कॉफ़ी का. आई लव कॉफ़ी. वैसे यहाँ पे टी का ऑप्शन भी होता है, वो भी मंगवा सकते हो. दिस थिंग इज सुपर हॉट. नाइस. प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी थी इसकी. अब भी हुई हुई है, मतलब ख़राब नहीं हुई पीने के बाद. नाउ आई वांट टू ट्राई द डोसा पट्टी समोसा. इट लुक्स सो क्यूट. तो दिस इज़ द डोसा पट्टी समोसा. जैसा कि इसका नाम है, इसकी कवरिंग होती है डोसा की बनी हुई और इसके अंदर डोसे का ही आलू होता है. ओके, डेफिनेटली इसके अंदर डोसे का आलू नहीं है, प्रॉपर समोसे वाला आलू है बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्पाइसी. अच्छा लग रहा है, डोसा से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये. ये समोसा काफ़ी स्पाइसी है. आलू अंदर से अच्छे से मैश्ड है और इसमें ग्रीन चिलीज डाले हुए थे. ये वहाँ पे बना रखा था बुफे काउंटर में, फिर भी इतना क्रिस्पी है अब तक. काफ़ी अच्छा स्नैक है ये. नाउ आई ट्राई द हैश ब्राउन. ये भी काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है. इवन दिस इज सुपर फ्रेश. अंदर से सॉफ्ट एंड गुई पोटैटो है, बाहर से एकदम क्रिस्पी. एंड आई टोटली लव द टेक्सचर. इसमें ना ऐसे छोटे छोटे बाइट्स होते हैं पोटैटो के, तो उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनता है ये. इट्स लाइक अ फैंसी आलू टिक्की. नाउ वांट टेक अ बाइट ऑफ चॉकलेट क्रोसां. आई लव क्रोसां बाय द वे. यहाँ पे मफिन्स भी थे और डोनट भी, मगर वो मैं लाई नहीं. अच्छा ये वेरी बटरी, वेरी फ्लेकी. इसके अंदर चॉकलेट की स्टफिंग है, मगर ना चॉकलेट थोड़ी सी कम डाली हुई है इन्होंने. आई गेस इसका साइज छोटा था इसलिए कम चॉकलेट डाल पाए होंगे. ऐसे भी अच्छा लग रहा है. इट इज़ वेरी वेल मेड. अच्छे से ना एक एक लेयर पता लग रहा है अलग से, तो इसका टेक्सचर परफेक्ट एकदम. और कॉफ़ी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन होता ही अमेजिंग है. अनदर सिप. ग्रिल टमेटो में तो मैं क्या ही रिव्यू करूँ. ऑल आई कैन से इज इट लुक्स रियली प्रिटी. सो या गाइस, आई एम गोना फिनिश ऑल दिस एंड ईट विद समथिंग एल्स.
Now I'm gonna try some more food and here I've got the things जिनका आपस में कोई भी relation है नहीं. तो यहाँ पे हक्का noodles और ये है पोंगल और ये है इडली, ये है वड़ा, यहाँ पे हरी चटनी है और थोड़ा सा पोड़ी मसाला. सांभर में लाई नहीं बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगता है. और वैसे तो ना ये साउथ इंडियन फूड की प्लेट होने वाली थी मगर फिर मेरे को नूडल्स दिख गए तो मैं सोचा ले आती हूँ. चलो सबसे पहले मैं इडली ट्राई करूँगी बिकॉज इट लुक्स रियली सॉफ्ट और अभी गर्म भी है. ऊपर से इन्होंने चॉप्ड वेजिटेबल्स डाले हुए हैं जिससे काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है. आई टोटली लव द प्रेजेंटेशन. आई वांट टू पेयर इट विद सम पोड़ी मसाला एंड हरी चटनी. इडली इज़ एक्चुअली रियली गुड. मज़ा आ गया खा के. इट इज़ सुपर सॉफ्ट एंड यमी. वेजीज भी कच्चे नहीं है, प्रॉपरली स्टीम्ड है. दिस पोड़ी मसाला इज़ टू स्पाइसी फॉर मी तो इसे मैं दोबारा नहीं खाऊंगी. नाउ आई ट्राई द दाल वड़ा. ये चने की दाल से बनता है. इट लुक्स रियली क्रिस्पी. आई कैन सी सम करी लीव्स एंड सॉफ्ट इन इट. फ्लेवर के लिए डालते हैं सॉफ्ट. वैसे सॉफ्ट इज़ नॉट माई फेवरेट. इसे मैं हरी चटनी से पेयर कर रही हूँ. कई लोग इसे भी सांभर और कोकोनट चटनी से पेयर करते हैं वैसे. ये ना हर जगह का अच्छा नहीं लगता है मगर यहाँ का लग रहा है. अंदर से सॉफ्ट भी है. ये देख के लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था हार्ड होगा मगर ऐसा बिल्कुल नहीं. अंदर से सॉफ्ट है. अनियन डाला हुआ है इन्होंने, उससे ही आ रहा है सारा मॉइस्चर. एकदम कोर्सली ग्राउंड है दाल तो उससे बहुत अच्छा बाइट आ रहा है. आई गेस इसमें इन्होंने चने की दाल के अलावा ना थोड़ी सी उड़द की दाल भी डाली हुई है. नमन सादा नूडल्स. इसके अंदर आप सोया सॉस वगैरह ऐड कर सकते हो मगर यहाँ पे ऐसे ही रखे थे. अगर आपको सोया सॉस चाहिए तो आपको मंगवानी पड़ेगी अलग से. बहुत ही सिंपल वेजिटेबल नूडल्स हैं ये. एकदम पतले पतले वाले हैं तो अच्छा लग रहा है इनका टेक्सचर. इसके अंदर इन्होंने वेजिटेबल्स डाले हैं. आई कैन सी सम कैबेज, कैरेट, बेल पेपर्स इन इट. अनियन नहीं है इसमें मगर फ्लेवर आ रहा है. शायद थोड़ा डाला होगा अनियन इन्होंने और मे बी ग्रीन अनियन से आ रहा हो ये फ्लेवर. सीजनिंग में इसमें जस्ट सॉल्ट एंड पेपर है, नथिंग फैंसी. नाउ आई ट्राई द पोंगल. इसे खाने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ. पोंगल इज़ बेसिकली साउथ इंडियन खिचड़ी. काफ़ी यमी होता है ये. आप इसके ऊपर से बटर डाल सकते हो, अचार से पेयर कर सकते हो इसको. और ना इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डले हुए हैं. आई कैन सी सम कैरेट्स एंड ग्रीन पीज इन इट. मूंग दाल और राइस से बनता है पोंगल. दिस हैज़ टू बी द बेस्ट डिश ऑन देयर मेन्यू. काफ़ी यमी है, क्रीमी है, इट इज़ हेल्दी, न्यूट्रिशियस. तो आप इसे कितना भी खा सकते हो. एक्चुअली नॉट कितना भी मगर हाँ अच्छे से खा सकते हो आप. हेल्दी है ये. इफ़ यू वांट सम स्पाइस आप अचार मंगवा सकते हो इनसे. अच्छा है ये. मेरी सिस्टर तो एकदम बोल भर के लाई थी इसे और बटर डाल के खा रही थी तो उसे देख के मन कर गया मेरा भी. सो गाइस फूड इज़ क्वाइट गुड. इस समय से बेस्ट था पोंगल और इडली. अ लॉट ऑफ यू गाइस वॉच माय वीडियोस बट डू नॉट सब्सक्राइब. प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. दैट विल नॉट ओनली सपोर्ट मी बट ऑल्सो मोटिवेट मी क्रिएटिंग मोर सच वीडियोज़.